तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो में। और आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे आप लोग अपनी खुद की एक चीट टेबल बना सकते हो, और कैसे मैंने अभी थोड़ा सा वॉल हैक का एक क्लू फाइंड किया है। ठीक है, मैंने 20% वॉल हैक को फाइंड कर लिया है। अब क्या है, ये लोग ये सोचते हैं कि सीधे उनको वॉल हैक ऑनलाइन गेम में दिखाया जाए, बट ऐसा नहीं हो सकता। पहले आपको ऑफलाइन गेम में टेस्ट एंड ट्राई करने पड़ेंगे, और आपको पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वॉल हैक का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने क्या फाइंड आउट किया है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मेरा प्लेयर है, और ये एक ऑफलाइन गेम है, कोई ऑनलाइन गेम नहीं है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वॉल है, ये एक दीवार है, और हमारा प्लेयर इस दीवार के देखिए आर पार नहीं जा सकता। ये दीवार है, इसके आर पार हमारा प्लेयर नहीं जा पा रहा है, और अगर मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, आप लोग देख पाओगे कि दीवार के आर पार नहीं जा रहा है। तो इस गेम के अंदर, और ज़्यादातर गेम के अंदर जो थर्ड पर्सन गेम होते हैं, थर्ड पर्सन का क्या मतलब होता है, जिसमें कैरेक्टर पूरा दिख रहा होता है। अगर आप लोगों ने कई गेम्स खेले होंगे जिसमें सिर्फ हाथ दिख रहा होता है, उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं, और जिसमें कैरेक्टर पूरा दिखता है वो थर्ड पर्सन गेम होता है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो थर्ड पर्सन गेम होते हैं वो दो चीज़ को लेके फॉलो करते हैं। पहला, हमारा कैरेक्टर फॉलो होता है, ठीक है, और दूसरा फॉलो होता है कैमरा एंगल। कैमरा एंगल क्या, अगर मैं अपने कीबोर्ड का ये बटन दबाता हूँ तो इससे कैरेक्टर आगे बढ़ता है, और अगर कीबोर्ड का ये बटन दबाता हूँ तो इससे क्या होता है, ये जो हमारा कैमरा है, आप लोग को दिख रहा होगा, ये देखिए कैमरा, ये हमारा कैमरा है जो हमारे कैरेक्टर को दिखाता है। तो क्या होता है कि हमारा कैमरा और हमारा जो कैरेक्टर होते हैं वो दोनों साथ साथ चल रहे होते हैं, जिससे कि आपको एक अच्छा व्यू मिल पाता है। तो क्या होता है, अगर आपको वॉल हैक को फाइंड आउट करना है तो आपको या तो कैमरा एंगल फाइंड आउट कर लेना है, या तो आपको कैरेक्टर को फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये सब मैं जब एकदम ये पूरा मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तब मैं सिखाऊंगा, बट अभी स्टार्ट में हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिए मैं यहां गया और मैंने क्या फाइंड आउट किया वो मैं दिखाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम लोग चीट टेबल कैसे बनाते हैं ये भी देख लेंगे। सबसे पहले क्या है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने चीट इंजन खोल रखा है। अब बहुत सारे महानुभाव होंगे जो डर के भागेंगे, बोलेंगे गेम गार्डियन का ट्यूटोरियल नहीं है, मैं फ़ोन में कैसे करूँगा। तो उन लोगों के लिए एक ही चीज़ है, कॉन्सेप्ट यही रहता है, अगर तुम्हें सीखना है तो इस वीडियो को भी देख के कर सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, वरना तो तुम ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ आप देख सकते हैं चीट इंजन है, और ये मैंने वॉल हैक का सेक्शन यहाँ पे ओपन कर रखा है, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एक्टिवेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा एक्टिवेट हो गया, और अब मैं अगर गेम को इस पार ले आता हूँ यहाँ पे, तो आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अगर मैं इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी भी लग रहा है वो फुल्ली एक्टिवेटेड नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं अभी भी हमारा प्लेयर आगे नहीं जा रहा है। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक बार और इसको यहाँ से मैं डीएक्टिवेट कर रहा हूँ, और एक बार और एक्टिवेट करके देखते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है। ओके, नहीं अभी भी नहीं हो रहा है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, देखा अभी क्या हो रहा है कि मेरा प्लेयर और जो मेरा कैमरा है वो थोड़ा सा सेपरेट हो गया। अभी आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, अभी मैं दिखाता हूँ। ये देखिए मेरा जो कैमरा है वो थोड़ा सा सेपरेट हो गया, और ये देखिए मेरा जो कैमरा है, मेरा प्लेयर देख सकते हो आप लोग, प्लेयर मेरा वहीं बाहर ही छूट गया है, और मेरा ये जो कैमरा है वो सेपरेट होके इधर आ गया है, और ये किसी भी वजह से इस साइड मूव किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। ये अभी ग्लिच हो गया इस गेम के अंदर, थोड़ा सा मूव करने लगा, अभी रुक गया। ठीक है, तो आप लोग क्या देख पा रहे हो कि मेरा जो प्लेयर है, एक्चुअल वॉल हैक में क्या होना चाहिए कि प्लेयर को वॉल से इस पार आ जाना चाहिए। ठीक है, बट क्या है कि जो मैं ढूंढ रहा था, और मैं मतलब ट्रायल एंड एरर कर रहा था, तो मुझे क्या हुआ, कैमरे का एंगल मिल गया, और मैंने कैमरे को एज अ वॉल हैक देख लिया कि मतलब वॉल के अंदर आप जाके क्या चीज़ें कर सकते हो। तो यहाँ देख पाओगे कि हम लोग इस पार आ गए हैं, इस पार आ गए हैं, देख सकते हो वॉल के। देखो मेरा प्लेयर चलने की कोशिश कर रहा है, बट वो वहीं रुका है। क्यों? क्योंकि उसका और दीवार का कोलिजन हो रहा है, मतलब टकराव हो रहा है, वो वहीं रुक जा रहा है। एक्चुअल वॉल हैक क्या होता है कि प्लेयर ही आर पार आ जाए, बट प्लेयर आर पार नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा कैमरा ही खाली आर पार आ पाया है। अगर मैं अपने प्लेयर को थोड़ा सा आगे ले जाऊँ, यहाँ पे देखो जैसे ही हम वॉल से निकले, प्लेयर और कैमरा दोनों सेपरेट हो गए हैं, मतलब दोनों मर्ज हो गए हैं, सॉरी, मर्ज होने के बाद दोनों एक साथ चलने लगे हैं। ठीक है, बट जैसे कोई ऐसी जगह आती है जहां पे कोलिजन होता है, प्लेयर तो टकरा के रुक जाएगा, प्लेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लेयर तो टकरा के रुक जाता है, बट जो हमारा कैमरा होता है, क्योंकि उसको हम लोगों ने मतलब पार करा दिया है, वॉल हैक को बनाया है। ठीक है, ये कैसे करते हैं, जब मैं एकदम इस पर क्लियर हो जाऊंगा तब मैं तुम्हें बता सकता हूँ। पर अगर तुम्हें सिर्फ इतना ही सीखना है कि ये जो कैमरा एंगल आपने कैसे फाइंड आउट किया, यही सीखना है, तो कमेंट करके बता सकते हो, उसके ऊपर भी वीडियो आ जाएगी। ठीक है, तो क्या है कि हमें जब भी टकराव मिलता है, किसी भी जगह से हम टकराते हैं, तो प्लेयर का सेक्शन रुकता है,
प्लेयर टकराव में रुक जाता है, बट कैमरे का एंगल पहले कोलिजन में रुकता था, बट अभी के टाइम में वो नहीं देख रहा है। ठीक है, तो मैं जैसे कहीं पे भी जाऊं, जैसे कि मैं इस घर के पास जाता हूँ, ठीक है रुक जाइए, देखिएगा आप लोग, मैं इस घर के पास जाता हूँ, ओके यहाँ देखिए मेरा फिर से प्लेयर रुका था, बट प्लेयर छोड़ के मेरा कैमरा आगे भाग गया। ठीक, और मैं इस घर के पास जाता हूँ और देखते हैं कि इस घर के अंदर मैं नहीं घुस सकता, क्यों, क्योंकि मुझे इधर से जाना है, बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपने आप को यहाँ पर टकरा के रोकता हूँ, ठीक है, और मेरा कैमरा है, और मेरा कैमरा देख सकते हैं अभी अंदर शायद नहीं जा पा रहा है मेरा कैमरा, ओके चला गया, ओके, तो वहाँ देख पा रहोगे कि मेरा प्लेयर वहीं पर रुका हुआ है, बट मेरा जो कैमरा है वो किसी वजह से देख सकते इस पार आ गया है, और मैं इस घर के अंदर, बट मेरा कैमरा नहीं जा पा रहा, ये मैं सोच रहा हूँ, ओके, तो ये चीज़ नहीं हो पा रही अभी शायद, अभी इसके ऊपर काफ़ी और ट्रायल करने हैं कि वॉल हैक एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती रहेंगी, ये अपडेट था एक मेरी तरफ से, और हम लोग अब सीखते चीट टेबल बनाना। अब मान लेते हैं कि आप लोगों ने चीट इंजन के अंदर अपने अलग अलग चीट्स को ढूंढा है। ठीक है, अब चीट टेबल क्या होती है, एक ऑर्गेनाइज वे होता है आपके चीट्स का, ठीक है, उसी को चीट टेबल कहते हैं। अभी यहाँ पे देखिए मैंने दो हैक यहाँ पे ढूंढा, एक वॉल हैक, एक गन हैक है। गन हैक अगर मैं दिखा दूं तो यहाँ आप देख सकते हैं 10 गोलियां हैं, मैं मारता हूँ, गोलियां कम हो रही हैं, बट मैंने जैसे यहाँ पे टिक किया और यहाँ पे अब की बार आप देखोगे तो गोलियां एकदम परफेक्ट है। ठीक है, तो वॉल हैक, गन हैक है, बट इसको हम लोग एक मतलब ऑर्डर्ड वे, एक सही वे में कैसे लगाएंगे जिससे हमें पता चले कि हाँ ये चीट टेबल है इसकी। तो आपको क्या करना है, अपने चीट इंजन में आना, राइट क्लिक करना है और यहाँ पे क्रिएट हेडर आ रहा है, क्रिएट हेडर कर देंगे, यहाँ पे हेडर का आपको नाम रखना है, अपनी चीट टेबल का नाम रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या रख रहा हूँ, RE4 और टेबल, यहाँ पे आप लोग कुछ भी मतलब रख सकते हो, RE4 रख देता हूँ मैं, या फिर टेबल भी लिख देंगे हम लोग उसके आगे। ठीक है, RE4 इस गेम का नाम है, रेजिडेंट इविल 4 और टेबल मैंने लिख दी। ठीक, अभी यहाँ पे ये एड्रेस सपोर्ट नो कर दीजिएगा। ठीक, अभी आपको क्या करना है, आपके जितने भी चीट्स हैं आपको इस टेबल के अंदर लाने, कैसे लाओगे, जैसे ये वॉल है कि अगर मैं इसको पकड़ूं और ये देखो एक लाइन सी आ रही है पतली सी, आपको ये पतली लाइन को, ये जो टेबल है इसकी ना नीचे लाना है ना ऊपर, टेबल जहां पे लिखा है ना टेबल के बीच में लानी है, देखो ये ऊपर आई ये नीचे आई लाइन, लेकिन हमें क्या करना है टेबल के बीच में लाना है, ये देखो ये बीच में आ गई लाइन, और जैसे छोड़ोगे तो हमारा वॉल हैक इसके अंदर आ गया। ठीक है, और गन हैक भी हमें टेबल के नीचे लानी, मतलब बीच में लानी है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है कि जब भी आप अपने इस टेबल को मतलब ऑन करोगे तभी ये चीजें दिखेंगी, और अगर ऑफ रहेगा तो नहीं दिखेंगे, बट आप सोच रहे होगे कि अभी भी दिख रही हैं, तो आपको क्या करना है, RE4 के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है, ग्रुप कॉन्फिग में जाना है, और यहाँ पे हाइड चिल्ड्रेन व्हेन डीएक्टिवेटेड, मतलब ये आपकी पेरेंट डायरेक्टरी है, ये चिल्ड्रेन डायरेक्टरी है, और यहाँ पे चिल्ड्रेंस को हाइड कर दिया जाएगा जब ये डीएक्टिवेटेड होगी। ठीक है, और यहाँ पे अभी एक्टिवेट नहीं है, डीएक्टिवेटेड तो हाइड हो गया, बट जैसे ही मैं एक्टिवेट करता हूँ यहाँ पे देख सकते हैं ये ऑन हो गया। ठीक है, और इसको और अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे चेंज कलर, अपना कलर भी आप लोग चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ब्राउन पसंद है अपने चीट टेबल का कलर, तो मैं ब्राउन करके ओके कर दे रहा हूँ, ब्राउन हो गया, और हम लोग जो वॉल हैक बनाए थे इसका कलर हम लोग कर देने वाले हैं येलो, येलो या फिर ब्लू, डार्क ब्लू कर देंगे। ठीक है, और गन हैक का अपने कलर हम लोग कर देने वाले हैं यहाँ से डार्क रेड, ताकि मतलब सेपरेट रहे सब कुछ, देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, हमारी वॉल हैक और गन हैक की यहाँ पे पूरी सेपरेशन हो गई है, और ये चीज़ बहुत ही अच्छी रहती है अगर आपका मतलब बहुत सारे आपने चीट टेबल्स बना रखे हैं, बहुत सारी चीज़ें बना रखी, चीट्स बहुत ढूंढ रखे हैं, और वो इधर उधर मतलब गुछपुछ हैं, मतलब इधर उधर ऊपर नीचे हैं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, उनको चीट टेबल के अंदर कन्वर्ट कर दो, इसको यहाँ एक्टिवेट कर दोगे तो ये सब दिखने लगेगा, फिर आप लोग अपना चाहो, यहाँ पे देख सकते हो अभी मेरा गन हैक नहीं है, मैंने टैप किया और इस बार गन हैक मेरा हो गया। ठीक है, और बहुत अच्छे से इसको आप सेव भी कर सकते हो, सेव कहाँ पे करना है, मान लो आपको डेस्कटॉप पे आना है और डेस्कटॉप पे लिख सकते हो RE4 चीट टेबल, यहाँ पे RE4 चीट लिख सकते हो और सेव कर दोगे तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे अगर आप लोग जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो RE4 चीट आ गया, और इसको जैसे ही आप लोग डबल क्लिक करोगे ना ये हमेशा आपका इसी टाइप से खुलेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे डबल क्लिक करा, यस किया, तो यहाँ पे देख सकते हो RE4 टेबल, और इसको जैसे ही एक्टिवेट करोगे तो बाकी सब एक्टिवेटेड है। ठीक है,
आई होप तो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मेरी चीट इंजन की पूरी पूरी प्लेलिस्ट आप लोगों ने अगर नहीं देखी है तो प्लीज जाके देख सकते हो, वो पूरी प्लेलिस्ट आई बटन के ऊपर है, गेम गार्डियन की भी ट्यूटोरियल के आई बटन के ऊपर है, सब कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आए, मेरे समझाने का तरीका पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली कमाल की वीडियो में।